हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्पेस इनफाइनाइट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर स्टार्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है और ये आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको इसके बारे में पता लगने वाला है इस वीडियो में। दोस्तों, यूनिवर्स में जैसा कि आप जानते हैं कि इतने स्टार्स हैं जितना हमारी इमेजिनेशन भी इमेजिन नहीं कर सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये सारे स्टार्स एक जैसे होते हैं? अगर नहीं तो ये आखिर कितने अलग होते हैं, चलिए जानते हैं। यूनिवर्स में स्टार्स को उनके साइज, ल्यूमिनोसिटी और टेम्परेचर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है मॉर्गन कीनन सिस्टम यानी कि एमके सिस्टम को। तो आखिर ये क्लासिफिकेशन क्या एक्सप्लेन करती है स्टार्स के बारे में? बेसिकली ये सिस्टम यूज करता है लेटर्स का स्टार्स को कैटेगराइज करने के लिए, जो कि हैं ओ, बी, ए, एफ, जी, के और एम। फ्रेंड्स, इस क्लासिफिकेशन में ओ एंड बी टाइप के स्टार्स सबसे हॉट और ब्राइट होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सबसे रेयर टाइप के स्टार्स भी होते हैं। और फ्रेंड्स, ये लेटर्स को सीक्वेंस में रखा गया है जिसमें ओ टाइप के स्टार्स सबसे गर्म होते हैं और एम टाइप के स्टार्स सबसे कूल होते हैं। अगर हम इनके कलर्स की बात करें तो ओ, बी और ए टाइप के स्टार्स मोस्टली ब्लू कलर के होते हैं, एफ टाइप के स्टार्स ब्लू या वाइट कलर के होते हैं, वहीं जी टाइप के स्टार्स वाइट या येलो कलर के होते हैं, के टाइप के स्टार्स ऑरेंज या रेड कलर के होते हैं और एम टाइप के स्टार्स रेड कलर के होते हैं। और इन लेटर्स के अंदर भी और डिवीजन होता है स्टार्स का टेम्परेचर के हिसाब से, जिसमें 0 से 9 के बीच के नंबर्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें ओ होता है सबसे हॉट और 9 रिप्रेजेंट करता है सबसे कूल। एग्जांपल के लिए A0 क्लास ए में सबसे हॉटेस्ट स्टार होता है और A9 अपने क्लास में सबसे कूलेस्ट स्टार होता है। इस स्टार क्लासिफिकेशन को फर्दर और एक्सपेंड किया गया दूसरे टाइप्स के स्टार लाइक ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करने के लिए, जिसमें क्लास डी रिप्रेजेंट करता है वाइट ड्वार्फ्स को और क्लास एस और सी रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन स्टार्स को। इसी एमके सिस्टम में ल्यूमिनोसिटी क्लास भी ऐड किया गया है स्टार्स को उनकी ल्यूमिनोसिटी यानी कि लाइट की इंटेंसिटी के हिसाब से रोमन न्यूमरल्स में मेजर करने के लिए। ल्यूमिनोसिटी क्लास की इस सीरीज़ में क्लास 0 से 1A+ रिप्रेजेंट करते हैं हाइपर जाइंट्स को, वहीं क्लास 1 रिप्रेजेंट करते हैं सुपर जाइंट्स को, क्लास 2 रिप्रेजेंट करते हैं जाइंट्स को, क्लास 3 रिप्रेजेंट करते हैं रेगुलर जाइंट स्टार्स को, क्लास 4 रिप्रेजेंट करते हैं सब जाइंट्स को और क्लास 5 रिप्रेजेंट करते हैं मेन सीक्वेंस स्टार्स को, वहीं क्लास एस डी या 6 रिप्रेजेंट करते हैं सब ड्वार्फ्स को और क्लास डी यानी कि क्लास 7 रिप्रेजेंट करता है वाइट ड्वार्फ स्टार्स को। जब हम स्टार्स को इन सब डिफरेंट पैरामीटर्स से मेजर करते हैं तो इसे उस स्टार का स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इन सब पैरामीटर्स के हिसाब से अगर हम अपने सन को देखें तो सन एक जी टाइप स्टार है जिसका ल्यूमिनोसिटी क्लास है 5 यानी मेन सीक्वेंस, और जी टाइप में 0 से 9 के टेम्परेचर स्केल पर इसका टेम्परेचर आता है 2 के पास। तो ओवरऑल सन का स्पेक्ट्रल क्लासिफिकेशन है G2V यानी G2-5, जिसको हम एक येलो ड्वार्फ या जी ड्वार्फ स्टार कह सकते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स में सबसे कॉमन होते हैं मेन सीक्वेंस रेड ड्वार्फ स्टार्स, जो कि करीब 90% यूनिवर्स के स्टार्स को कवर करते हैं। अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी भी एक रेड ड्वार्फ स्टार है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग स्पेस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक देखते रहिए स्पेस इनफाइनाइट।